चंडीगढ़ सेक्टर 42 के जीसीजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हरनाज अब पूरी दुनिया में छा चुकी हैं। हरनाज ने मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया है और पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है। हम इस समय हरनाज के कॉलेज में खड़े हैं जहां पर उनके टीचर, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलेज में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो छात्राएँ हैं वो यहाँ पर डांस कर रही हैं, जश्न मना रही हैं। उनकी जो टीचर हैं वो भी उनकी इस बड़ी उपलब्धि से बेहद खुश हैं। हम बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है जी, और हरनाज मेरी स्टूडेंट है बीए फर्स्ट ईयर से। उनको थिएटर में मैंने इंट्रोड्यूस किया था बीए फर्स्ट ईयर में। मैं हर साल थिएटर के लिए बच्चे इंट्रोड्यूस करता हूँ, नए बच्चे, तो उनको मिमिक्री हमने करवाई थी और स्किट कराई थी। वही मिमिक्री आज उन्होंने वहाँ पर टॉप 5 में करके दिखाई, और उसके बाद वो मिस फ्रेश फेस इंडिया भी बने। और उस दौरान भी जो उनका लास्ट राउंड था टैलेंट राउंड, तो उसके बीच में भी उन्होंने एक एक्ट था जो हमने यहाँ से लिख के दिया था उनको, वो था तेजाब या गुलाब, कि जो सड़कों पे आशिक घूमते हैं या तो गुलाब देते हैं अगर आप उनकी बात का हाँ कर दो, अगर ना कर दो तो आप पे तेजाब गिर देते हैं। तो उसने वो तेजाब की एक्टिंग करके दिखाई थी स्टेज पे। तो डब्बू रतनानी जो बेस्ट फोटोग्राफर आपको पता है इंडिया के, और टेरेंस सर जो डांस वाले, वो रो पड़े थे स्टेज पर। तो फ्रेश फेस का वो खिताब जीत के आई थी। उसके बाद उन्होंने फिर मिस वर्ल्ड के लिए भी यहाँ पे किया, मिस वर्ल्ड इंडिया के लिए, उसमें टॉप 10 में रही। और एक साधारण सी बच्ची, लेकिन जो ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है। और मैं सच में बोलूँ, आप जब आएंगे वापस 2 हफ्ते बाद, आपको कॉलेज से निमंत्रण आएगा, आप आएंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वो बहुत मॉडेस्ट है। आज भी जब वो हमसे बात करते हैं तो आंखें नीचे झुका के, और जैसे गुरु का एक सम्मान हो रहेगा जो संस्कार है, और वो उनके घर से भी हैं और कॉलेज का पूरा सहयोग रहा है। और मेरी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, एंड शी वॉज कॉन्फिडेंट लाइक थ्रू आउट, और वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ हर जी। तो पहले से, जैसे आप तो कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो पहले से ही उन्हें था कि उन्हें सौंदर्य प्रतियोगिताओं में ही जाना है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया खिताब जीतना है, पहले से ही तय था ये, या कोई पहले बचपन में कुछ और बनना चाहती थी बाद में फिर मॉडलिंग में आ गई? नहीं देखिए, वो एक्चुअली जज बनना चाहते थे, और बीए फर्स्ट ईयर के दौरान जब वो थिएटर में गए और थिएटर में यूथ फेस्टिवल में उनको अवार्ड मिला, फिर उसके बाद जब मिस फ्रेश फेस में गए वहाँ पे उनको फिर अवार्ड मिला, तो फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट बन गया, और उसके बाद वो जो एक जज बनना चाहते थे, आज उनको दुनिया के बेहतरीन जजेस ने जज करके मिस यूनिवर्स बनाया। अब मैम, आपने पढ़ाया है हरनाज को, तो क्लासरूम में किस तरह से हरनाज रहती थी, कैसा उनका रवैया, स्वभाव किस तरह का रहता था? शी वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेल मैनर्ड, एंड एक बात उसकी पक्का थी कि वो बहुत परसिस्टेंट थी और पैशनेट थी अबाउट हर गोल। एक बार हारने के बाद भी दैट डिड नॉट डिटर हर पैशन ऑफ विनिंग इट अगेन। सो नाउ नॉट जस्ट विनिंग एट इंडियन लेवल बट एट द यूनिवर्स लेवल हैज मेड अस वेरी प्राउड। टीचर को स्टूडेंट के बारे में पता रहता है कि स्टूडेंट जो है वो किस स्वभाव का है, पढ़ाई में कैसा है, हर बात पता रहती है, तो आपको क्या बात उसमें खास लगती थी हरनाज के अंदर कि ये जो स्टूडेंट है इसमें ये बात खास है? कंसिस्टेंसी और पैशन, दो चीज़ें थी। कंसिस्टेंट थी बिकॉज उसको पता था कि मैंने यही अचीव करना है। एक बार हार गई हूँ लेकिन वो मेरी हार नहीं है, आई एम गोइंग टू चेंज दैट हार इनटू अ विन, एंड अ बिग ह्यूज विन इट इज। थैंक यू। मैम, आपने भी हरनाज को पढ़ाया है, तो क्लासरूम में किस तरह से वो रहती थी, दूसरे स्टूडेंट से कैसा बर्ताव था उसका, और एक स्वभाव होता कि शांत स्वभाव का बच्चा या बहुत एक्टिव है, वो कैसी थी? बहुत ही शांत स्वभाव की, जैसे सर बता रहे, बहुत साधारण सी लड़की थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, और मैं कहूँगी इतनी पोलाइट बच्चा, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए आप उसको बोलते हो करते हो तो शी वॉज ऑलवेज वेरी पोलाइट। कभी भी उसने किसी तरह से कोई रूड बिहेवियर कभी किसी टीचर के साथ नहीं किया। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, एंड वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्टिंग एंड थिएटर फील्ड। And now she is fetching a big title to India, so it's a moment of pride for all of us. And I wish her, because it was her dream to be in Bollywood in acting industry, so it now it will provide her a big platform. हरनाज ने बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी लड़कियां हैं, चाहे वो इस कॉलेज की हों या इस देश की हों, सबके लिए एक इंस्पिरेशन वो बन गई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि गर्ल्स क्या अचीव कर सकती है। एक बार अगर मन में ठान ले तो कोई भी एक साधारण सिंपल सा बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है। जस्ट आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, एंड यू कैन शाइन एनीवेयर यू परस्यू इन योर लाइफ।
थैंक यू। तो ये थे हरनाज को पढ़ाने वाले टीचर, जो पिछले कई सालों से हरनाज को पढ़ा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हरनाज बेहद साधारण और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इसमें जो खास बात थी वो यह थी कि वो लगन की पक्की थी, हार नहीं मानती थी, जो ठान लिया वो उसे करना है। लेकिन बच्चों की तरह वो ज़्यादा चंचल नहीं थी, सिर्फ शांत भाव के साथ, लगन के साथ अपने काम को पूरा करने में लगी रहती थी। और टीचर्स ने विश किया है कि वो आने वाले दिनों में और बड़े बड़े मुकाम हासिल करे। एटी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।